बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए गौतम गंभीर ने घोषित की टीम इंडिया की खतरनाक स्क्वाड। जी हां दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए कैसी है भारतीय टीम की स्क्वाड और गौतम गंभीर ने दिया है इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आपके मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड क्या होनी चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 विश्व कप विजेता बनने के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 आई सीरीज खेल रही है। हालांकि इस T20 सीरीज में भारतीय टीम के ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि सुमन गिल की कप्तानी में युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 आई सीरीज खेल रही है। हालांकि अब भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट और T20 आई सीरीज में भिड़ना है। आपको बता दें कि टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 आई मैच खेलेगी। 3 T20 आई मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज हमें अक्टूबर के महीने में होते हुए नजर आएगी। हालांकि इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड भी अब सामने आ चुकी है, यानी कि उन खिलाड़ियों का नाम सामने आ गया है जो अब हमें बांग्लादेश के खिलाफ T20 आई सीरीज में भिड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या इस दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि इसके अलावा अगर भारतीय स्क्वाड के बारे में बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस स्क्वाड में तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, अवेश खान और मयंक यादव को मौका मिल सकता है। यानी कि कुछ इस तरह से हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की T20 की स्क्वाड। आपके मुताबिक इस स्क्वाड में और कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।